ये लोग भी अंग्रेज लोग भी आते हैं घूमने के लिए, तो ये अंग्रेज हैं। तुम बात करो, बात करो इनसे, पूछो पूछो। अभी अंग्रेज आए तो साधना कह रही उनसे का कहने आउट। Where are you from? कने याद के का कने याद? Where are you from? Spain. Spain. Yeah. Okay. हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दो सभी को राधे राधे। आई होप गाइज आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम लोग जाने वाले हैं लक्ष्मी मंदिर, जो कि ओरछा में है। ओरछा तो बहुत बार गए बट मंदिर कभी नहीं गए, तो चलेंगे आप लोगों को भी दिखाएंगे। देखो ये लिखा है श्री लक्ष्मी मंदिर, तो हमें यहाँ से जाना है मंदिर के लिए। ऊपर है मंदिर, सो चलो चलते हैं। गाइस देखो ऊपर है, और ये देखो कितनी ऊंची टेक है चढ़ाने के लिए। मैं चढ़े नहीं क्या, नहीं तो पलट जाए, बहुत ऊंचाई है, चली जाएगी चली जाएगी। हम ना उठ जाए, पछाएंगे पछाएंगे। आ चुके हैं मंदिर पे हम लोग, बहुत ऊंचाई पे मंदिर है। तो इतने आदमी घूमबे के इलाज यहाँ तो रहता है, और इतने से देखत पूरा ओरछा। अभी हम ऊपर चढ़ के बता रहे हैं। देखो कितने नीचे से आए हम लोग वहाँ से, और साधना तो बोल रही थी गिर ना जाए, तो मैंने जुपिटर ऐसे कैसे उठ जाए। तो ये है सामने लक्ष्मी मंदिर, तो चलो चलते हैं। दादा है कि दादी है? दादा है। मैं दादी की मुझे तो दूर से ऐसे लगे कि दादी हूँ। चलो तुम्हें शर्म तो आता नहीं है अपने मन से? काहे अपनी तो खूब डेंटिंग पेंटिंग करत, खूब क्रीम लगात हां तनखो बजने कितने कितने तो का होगा जो देखियो। तुम्हें जेनी लगात के पहुंच लाई गाड़ी को तुम्हें शर्म नहीं आता? तुम्हारी नहीं है गाड़ी? तुम्हारी गाड़ी नहीं है तो तुम जब कर, जब तुम्हें पहुंचना चाहिए। नहीं तुम्हारी नहीं है, तुमसे जब कहते के बाहर है वो कर दो भैया, धो दे तुम तो फेर दे भीतर। देखो गाइस गाड़ी जुपिटर बहुत ज्यादा गंदी है। बहुत ही प्यारा मंदिर है, अभी तक आए नहीं कभी हम ओरछा, तो बहुत बार आए बट आज अभी काम चल रहा है यहाँ पे। देखो ये मंदिर का इतिहास है, लक्ष्मी मंदिर वीर सिंह देव 1605 से 1627 द्वारा इस मंदिर का निर्माण तुम बीच में क्यों बोल रहे हो, चकर चकर कर रही हो। अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी को समर्पित है। तो ये मंदिर 1605 से 1627 में बना था, काफी ऐतिहासिक मंदिर है। सो चलो अपन चलते हैं अंदर, चलो देखते हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम भी नहीं आए थे। ये पूरा ओरछा है, आप यहाँ से स्टार्ट होता है ओरछा। ये देखो ये सारा ओरछा है, वहाँ पे राम जी का मंदिर है। ओरछा नहीं हो आप, तो हर जगह अपनी अपनी नहीं। ये है मंदिर, क्या प्यारी कलाकारी है पहले की। ये देखो देखो इधर आओ, तुम्हें तो बड़ा लग रहा है, ये तुम्हारे बाल झड़ रहा है। पहले की औरतन के बाल नहीं झड़ा, तो ये नेचुरल, हर चीज में नेचुरल खाती ना, बढ़िया बढ़िया ऑर्गेनिक। चौमिन बर्गर नहीं मिलता, हाँ पहले चौमिन बर्गर नहीं खाती तुम्हारी जैसी। सो देखो जावली पेंटिंग में अपनी चुटिया बांध रही। देखो ये बताओ पहले की है, पहले की चित्र बने हुए हैं। सन 1605 कितने साल हो गए, करीब 400 साल हो गए, 400 पुराने चित्र बने हुए हैं। देखो अभी भी जय हनुमान जय श्री राम, तो हनुमान जी के दर्शन कर लो गाइस। इस साइड ऐसे चले जाओ, यहाँ पे भी है, और ऐसे में इस साइड भी चले जाओ, यहाँ पे भी बहुत सारे कमरे हैं, ऊपर जीने भी हैं जाने के लिए। बहुत ही प्यारा लग रहा है। पहले तो गाइज आपको दर्शन करवाते हैं लक्ष्मी जी के। ये सारा मंदिर ही था, अभी ऐसा लग रहा होगा कि किला है लेकिन ये मंदिर ही है। हाँ पूरा मंदिर है, मंदिर ही बना था ओरछा के जो राजा थे रानी थी, वो लोग दर्शन करने आते होंगे। ये देखो तुलसी घर बना है पहले का ही, इसमें तुलसी लगी हुई आज भी लगी है। देखो तो गाइज देखो ये है मंदिर, सामने लक्ष्मी जी हैं, तो आप दर्शन कर लो गाइज। यहाँ पे मंदिर में जो लक्ष्मी जी का सिंहासन ही बचा है, और जब हमारे देश में मुगल आए थे तो उन्होंने तो मूर्ति कटवा दी थी, चोरी हो गई थी। हाँ चोरी हो गई, चोरी की कटवाई दी थी उन्होंने, सारे अपने देवी देवता की मूर्ति कटवा दी थी। तो यहाँ ये वाले मंदिर में भी मूर्ति तो कटी हुई है, बट यहाँ पे स्थान था उनका, तो अभी ये मंदिर तो है ही। देखो पूरा मंदिर है ही, तो इसीलिए यहाँ पे लक्ष्मी जी का इसको मंदिर बोलते हैं। छोटी सी मूर्ति की स्थापना कर दी थी। फिर
देखो गाइस पहले की कलाकारी, पूरे मंदिर में चारों तरफ यही यही पेंटिंग बनी हुई है। देखो यहाँ पे भी बनी है, घोड़े पे बैठ कर लड़ने के लिए जा रहे हैं, देखो ये लक्ष्मी जी और हाथी भी है। यहाँ पे देखो ये हुक्का पी रहे हैं, हुक्का की पेंटिंग बनी है। बहुत बड़ा इतिहास है, 400 साल पुराना मंदिर। तो आप लोग जरूर आइए अगर ओरछा आ रहे हो आप लोग। ओरछा है MP मतलब मध्य प्रदेश में पड़ता है ओरछा, और ओरछा में लक्ष्मी मंदिर, आप आना जरूर। तो यहाँ पे लक्ष्मी जी के दर्शन करना और मंदिर भी घूमना, बड़ा ही प्यारा मंदिर है और बहुत बड़ा मंदिर है, आपको काफी अच्छा लगेगा। अगर आप लोग MP में ओरछा विजिट करते हो तो लक्ष्मी मंदिर जरूर आना। ये थोड़ा सा राम जी के मंदिर से दूर है, बट आप लोग अगर गूगल पे सर्च करोगे या किसी से भी पूछोगे तो आप यहाँ आ सकते हो। ये सब पेंटिंग 400 साल पुरानी है। चलो गाइस चलते हैं मंदिर के ऊपर, देखते हैं क्या है ऊपर। देखो ऊपर तोता है, वाह। तो ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ऊपर, काफी बड़ा मंदिर है। बस सरकार ध्यान नहीं दे वो पहले से, लेकिन अब दे रही सरकार ध्यान। हाँ पहले ध्यान नहीं दिया लेकिन अब सरकार ध्यान दे रही है। देख लो यहाँ से कितना प्यारा लग रहा है, यहाँ से देखो कितना प्यारा लग रहा है। चले ना जो नहीं आचे, कैसे कैसे चले जाए, तुम डक्का दे दे तो जरूर चले जाए। नहीं कैसी बात है, कर रही तो मैं कहा खुले में डक्का। पहले मतलब गाइस हर चीज ऐसे डिजाइन से बनती थी कि ना तो गर्मी लगे और ना ही सर्दियां लगे, हर मौसम को ध्यान में रखकर हर चीज बनाई जाती थी। तो ये देखो यहाँ से कितना प्यारा लग रहा है, और बढ़िया ठंडी ठंडी हवाएं आती होगी यहाँ से गर्मियों में। देखो कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे, देखो पूरा परिवार टपैया में रह रहा है। ये देखो ये पूरा परिवार रह रहा है यहाँ पे, चूना मूना और ये सब। तो गाइस ये पहले के किले बनते थे ना तो ये चूना से बनते थे, आज के टाइम तो सीमेंट यूज होता है, पहले चूना होता था। तो साधना करी देखो चूना झर रहा हो। एक बात बताओ 400 साल होते हैं कछु, ठीक है 400 साल में आदमी की हड्डी संधा नहीं बचे, जो तो किलोई है। 400 साल में कितना कितने मौसम, कितनी गर्मी, कितनी धूप, कितनी बरसात का झेली है मंदिर ने, सोचो। फिर भी आज टिका हुआ है, तुम टिके 400 साल। इधर शकल दिखाओ, हेलो एक्सक्यूज मी, 400 साल अब ही बड़े आ गए तुम अबे। देखो यहाँ पे ये लोग भी, अंग्रेज लोग भी आते हैं घूमने के लिए। तो ये अंग्रेज हैं, तुम बात करो इनसे, पूछो पूछो पूछ लो, कुछ नहीं डरने वाली बात थोड़ी ना है। अभी अंग्रेज आए तो साधना कह रही उनसे का कहने आउट, Where are you from? कन्यात के का कन्यात जो पूछने हो वो कहने आओ, तो हमें नहीं याद ना मतलब। हाँ, where are you from? Where are you from? तुम्हारे मुँह से तड़क सीख लो, हमने तुमसे जैसे किया। ये मंदिर की थोड़ी सी और ऊंचाई पे हम लोग आ गए हैं, देखो यहाँ पर, यहाँ से लग रहा है बहुत ही प्यारा, पूरा ओरछा दिख रहा है। देखो ये रखी है हमारी जुपिटर यहाँ पे, और ये देखो ये पूरा यहाँ से ओरछा दिख रहा है मंदिर से, वाओ सो ब्यूटीफुल। वेयर आर यू फ्रॉम? स्पेन। स्पेन? यस। ओके। आई एम फ्रॉम सिकोना एंड देयर आर देखो हमारे पीछे वो लोग हैं, ये लोग हैं स्पेन से, तो इन लोगों को इंग्लिश ज़्यादा आती नहीं और हमें स्पेनिश आती नहीं, तो वो लोग स्पेनिश बोल रहे हैं, स्पेनिश तो बिल्कुल ही नहीं आती है, तो स्पेनिश में बात कैसे करेंगे, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा बात नहीं कर पाए। तो अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं आराम से, तो हड़हड़ाबो आ रही थी समझ में, हड़हड़ा आ रहा है। वो भाई देखो वहाँ स्पेन का उसका फोन आ गया होगा, वो किसी से बात कर रहा है, तो यहाँ साधना उसकी नकल टीप रही है। क्या बात कर रहे हो? पानी से ये तो तुम बोल रहे, पता कौन सी चाइनीज बोल रहा है, वो तो स्पेनिश में बात कर रहा है वहाँ पे। अरे तुम ऐसे ही बोल रहे हैं, बस 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 रन दो रन दो, स्पेनिश में बात कर रहा है वो। ये देखो चाइनीज बकरियां बैठ गई। तो गाइस मैं बात करता हूँ उन लोगों से बट उन्हें इंग्लिश आती नहीं है। देखो हम लोग नीचे से आए थे यहाँ ऊपर, और यहाँ से हम लोग वहाँ ऊपर भी घूमाए, और अभी देखो यहाँ ऊपर भी जाने के लिए जगह है, तो यहाँ से चलते हैं ऊपर, और भी ऊपर जा सकते हैं हम लोग, चलो चलते हैं। ऐसे नहीं ऊपर क्या क्या ज्यादा ही ऊपर पहुँचा दे, चले शांति से
देखो यहाँ से जा सकते हैं। और ये देखो कुछ हमारे भारत के नमूने, देखो कहीं पे भी नाम लग जाते हैं। देखो खाके छोड़ यहाँ से भी ऊपर जा सकते हैं। वाह, इतना ऊंचाई पे इसके लिए जाना सेफ नहीं रहेगा। मैं जाता हूँ अकेला, चलो मैं जा रहा, ठीक है। वो तो जावे खो नहीं है, वो घूम बेखो। हाँ। जो झंडा अंडा चढ़ता ही ऊपर। हाँ। तो इतने तो वैसे ही भी भगवान है, तो ऊपर तो वैसे ही नहीं जाना चाहिए मूर्ख आदमी को। चलो कि नीचे भगवान है उनके ऊपर हम चढ़े। तो हम नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे तहीं से वापस आ जाओ। चलो तो हम लोग नहीं गए गाइस ऊपर। गाइस जी ने बड़े खतरनाक है, सीधे सीधे जी ने। चलो साधना की एक गलत फहमी आज उसको दूर करते हैं। तो साधना ना जितने भी अंग्रेज से देखते हैं सबको ये सोचती है कि यही अपने देश पे राज करके गए हैं। ये स्पेन के, इनने नहीं किया अपने देश पे राज। हम तो गोरे तो हैं आदमी, गोरे से का मतलब है उनके कौन नहीं है, उनके कछु नहीं है। ये दूसरे देश के थे, वे दूसरे देश के हैं, ठीक है ना, समझे। इतने देख के बताओ ये शायरी में का दिख रहा हो तुम्हें। ये शायरी में शायरी नहीं है, वो पलस्तर लगो पगला। जिनने अपने देश पे राज किया वो थे इंग्लैंड के, और बाकी दूसरे देश हैं जो ये हैं स्पेन के, इनके इनके ऊपर तो खुद अंग्रेजों ने राज किया। जैसे अपना देश गुलाम रहा अंग्रेजों का, वैसे ये खुद भी गुलाम रहे अंग्रेजों के, ठीक है। सारे देशों पे राज किया अंग्रेजों ने। अरे राम बेचारे गलत बोल गए, बाबा क्षमा करियो। वो ये मंदिर के बाहर थोड़ा बहुत काम भी चल रहा है, तो हो जाएगा ये काम तो और प्यारा लगेगा यहाँ पे। और ये बैठने के लिए जगह भी बन जाएगी, और यहाँ से आने के लिए मंदिर में बढ़िया दर्शन करो आराम से। बहुत ही प्यारा मंदिर है, लक्ष्मी मंदिर, बहुत ही पुराना इतिहास है, 400 साल पुराना मंदिर है। भाई जी ये लोग देखो कचड़ा ना अपना हाथ में लिए हैं ये लोग। बेचारे ने हम कितना गलत कह रहे थे, हम अपना कचड़ा हाथ में लेके गए किला के छिलका, और हम तुम जो होते तो इतना ही फेंक जाते का। और का डस्टबिन मिल जाएगा तो उन्हें वो उतना ही फेंके। सही में समझदार हैं बहुत बेचारे। बे उनके देश में ऐसी होती है ना, अपने देश में ऐसा हो कि जितने खाओ उतना ही फेंक दो। एक दिन काबो एक बस के बगल से मैं खड़ा हूँ, बस के बगल से मैं जो है खड़ा, बस की खिड़की में से कौन उन्हें छिकला फेंको, केला का मैं मुड़ी फेंक रहा हूँ। तुमने कही के आज मैंने जब तक बस रुकवाई तब तक बस चलिएगी नहीं, तो साले में घुस के मारता मैं। ऐसे तो आदमी है कि नेचे नेचे तक तो देखत नहीं है कि कोई नेचे तो नहीं है भाई की मुड़ी पे छिकला फेंक दो। देखो घर पे आती साथ साधना कर रही है शाम की पूजा, तो कहाँ गए ठाकुर जी। अच्छा जी हैं, देखो कपड़ा भी पहन, ठंड लग रही है थोड़ा ओड़ा है सारे। चलो तो पावी लगा। गाइस करते हैं आज के ब्लॉग को खत्म। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में हमने आपको दिखाया आज हम गए थे लक्ष्मी मंदिर। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, अपनी फैमिली ख्याल रखो, सभी को राधे राधे। लक्ष्मी मंदिर और तो गाइस देखो ये लिखा है श्री लक्ष्मी मंदिर, और इतना देखत पूरा और छा भाई हम ऊपर चढ़ के बता रहे हैं। देखो कितनी नीचे इसे आए, देखो कितनी चढ़नी पड़ा है। देखा तुम बोली नहीं पाते ही रहते हो तो ब्लॉग बना। तो गाइस देखो कितनी नीचे से आए हम लोग वहां से।